नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। अमित शाह जी, सीएए पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सीए लाने के बाद तमाम प्रोटेस्ट हुए, देश भर में प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में तो बहुत बड़े दंगे भी हुए, काफी लोग मारे भी गए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई कम्युनिकेट करने में कि आप क्या करना चाह रहे थे, या आप इसको कोई साजिश के उस पर देखते हैं कि कोई एक साजिश थी कि इसको डिरेल किया जाए? देश को देखिए, इसको जानबूझकर लोगों के बीच में भ्रांति पैदा कर दी गई कि सीएए से इस देश के मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि सीएए के अंदर एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो किसी की भी नागरिकता ले ले। मैंने जब राज्यसभा में भाषण किया तो कपिल सिब्बल, श्री आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने भी इसको स्वीकार किया कि हम नहीं कहते नागरिकता जाएगी। तो फिर भाई, आपकी पार्टी की अध्यक्षा रामलीला मैदान में क्यों ऐसा बोल रही है कि आपके अस्तित्व की लड़ाई है, रोड पर आ जाइए? क्यों लोगों को उकसा रहे हो भाई काम का? मगर ये लंबा नहीं चलता है। हमने भी कम्युनिकेशन किया है, हमने भी बातों को रखी है, संसद में भी इस पर कई बार चर्चा हुई है और धीरे धीरे बात नीचे तक परकुलट हुई है कि इसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया है। दिल्ली रायट्स, दिल्ली 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 में जो रायट्स हुए उसकी जांच की रिपोर्ट कब तक उम्मीद की जा सकती है और उसमें क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जिन्होंने दंगों को भड़काया है? जरूर लिया जाएगा, कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। हमने षड्यंत्र का भी एक एफआईआर बनाया है जिसके तहत जांच चल रही है और मैं आपको सुनिश्चित कर देश की जनता को और दिल्ली की जनता को विशेषकर ये कहना चाहता हूं कि अब तक के सभी रायट्स में सबसे ज्यादा कठोर कदम इसी रायट्स के अंदर उठाए जाएंगे और सजाएं भी होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसने क्या किया है, कितना बड़ा आदमी है, वो कुछ नहीं देखा जाएगा। जिसने रायट्स करे हैं, जो रायट्स के लिए जिम्मेदार है, उनको सजा दी जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता भी इसके घेरे में आएंगे? मैंने नेता शब्द प्रयोग नहीं किया, कोई भी बड़ा आदमी हो मगर रायट्स के लिए अगर जिम्मेदार है तो वो जरूर सजा प्राप्त करेगा। अमित शाह जी, एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार एनआरसी के लिए भी कटिबद्ध है? देखिए, मैंने सीए के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अभी सीए लेकर आए हैं, एनआरसी जब लाएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे और अभी सीए के लिए जो भ्रांति फैलाई गई है उसको हम ढंग से इस देश की माइनॉरिटी को बताना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने पहले छह महीने में इस सरकार के एक के बाद एक इतने सारे कदम उठाए कि शायद ये सब साथ में देखा जाए तो लगा, हो सकता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को थोड़ा सा लगा हो कि इसमें कुछ खतरा लगा हो और कम्युनिकेशन उतना अच्छा न हो पाया हो, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, सारे फैसले 70 साल पहले लेने जैसे थे, बहुत देर हो चुकी थी और मैं मानता हूं उचित समय पर यह निर्णय लिया गया है। अमित शाह जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अब वहां के शहरों का, मौसम का जानकारी भी हमने देनी शुरू कर दी है दूरदर्शन में, तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मेरे समेत, राहुल के समेत, मतलब आपके समेत सभी लोग मानते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जहां तक रणनीति का सवाल है राहुल जी, इस प्रकार के मसलों की रणनीति प्रेस इंटरव्यू में नहीं बताई जाती। नहीं, रणनीति मत बताइए, जानना ये चाह रहे थे कि आपका कमिटमेंट। मैंने कहा ना, भारत का हिस्सा है कश्मीर, क्यों जी? हमारा कमिटमेंट ही है कि ये भारत का हिस्सा है।